पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री रामलीला महासंगठन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष बाबा संजीव आकांक्षी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुरादाबाद शैली की रामलीला का मंचन देश भर में अनेक संस्थानों पर हो रहा है, जिसमें मुरादाबाद से ही 40 से अधिक टोलियां प्रतिवर्ष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन करने देश के विभिन्न स्थानों पर जाती रहती है। इन टोलियों से जुड़े 1000 से अधिक लीला सेवकों को एकजुट करने का बीड़ा श्री राम लीला महासंगठन ने उठाया है। संगठन में सभी टोलियों के निर्देशक, व्यवस्थापक, कलाकार, गायक, संगीतज्ञ, मेकअप आर्टिस्ट, बैक स्टेज सहायक आदि सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ राम सेवक सम्मिलित होंगे। लीला एवं मंचन से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़ी अनेकों संस्थाओं को जोड़कर महासंगठन का गठन किया गया है। 23 संस्थाओं के इस महासंगठन में कलाकारों के कल्याण के साथ साथ मंचन से संबंधित परेशानियों को दूर करने पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही वर्तमान युग में हाईटेक होती मंचीय व्यवस्थाओं हेतु कलाकारों को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन के साथ साथ नई तकनीकियों से भी अवगत कराया गया है। आपको बता दें कि महासंगठन का अध्यक्ष डॉक्टर संजीव आकांक्षी को चुना गया है, तो वहीं महामंत्री प्रमोद रस्तोगी, कोषाध्यक्ष आलोक राठौर, संयोजक संगठन नरेंद्र कुमार, संयोजक आयोजन प्रेमनाथ यादव, संगठन मंत्री के शर्मा को बनाया गया है। Smart Sound. आज जिस संगठन का ये कार्यक्रम है वो है श्री रामलीला महासंगठन। इसके पीछे का ध्येय ये है कि मुरादाबाद में 40 से लेकर 60 के बीच में संगठन ऐसे हैं, जो समितियां ऐसी हैं जो मुरादाबाद, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिंदी भाषी प्रदेश, पूरे भारतवर्ष और विदेशों तक मुरादाबाद शैली की जो विशिष्ट रामलीला है इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें आप पिछले 40-45 वर्षों से और आज तक का आकलन करें तो मैं समझता हूँ हजारों कलाकार इसमें जुड़े रहे हैं। कलाकार वो जिनका मंच पर प्रदर्शन होता है। इसके अलावा संगीत पक्ष है, गायन है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, बैक स्टेज इनका काम है, यानी कि भगवान राम की लीलाओं के मंचन से संबंधित किसी भी व्यक्ति का योगदान है वो सब राम सेवक हैं। भगवान राम की लीला का ही सेवन कर रहे हैं, किसी भी रूप में सेवा कर रहे हैं। ऐसे हजारों कार्यकर्ता, हजारों कलाकार, हजारों समर्पित व्यक्तित्व मुरादाबाद में हैं। आज तक किसी भी संगठन ने ये प्रयास नहीं किया कि उन सबको जोड़ा जाए, एक मंच पर लाया जाए। इससे पहले भी काम हुए हैं, ऐसा नहीं कि संगठनों ने नहीं सोचा है। किन्हीं परिस्थितियों में वो अपने लक्ष्य की प्रतिपूर्ति नहीं कर पाए। एक अच्छी भावना के साथ हमने ये शुरू किया है। पहले दिन से ही हमारी इस पर चर्चा है और हम ये निर्णय ले चुके हैं कि जैसे ही मुरादाबाद की सारी टीमें दशहरा के तुरंत बाद रामलीला करके वापस आती हैं, उन सभी टीमों को लेकर के सभी का एक सम्मान समारोह। ऐसा नहीं कि मेरे मित्र की टीम आई है तो केवल उनका होगा, जो भी व्यक्ति हैं सभी का एक सम्मान समारोह मुरादाबाद में हो। मैं समझता हूँ ये 500 से 700 या 1000 लोगों का कार्यक्रम होगा, जिसमें सहभोज होगा, दोपहर भोज सभी का, सामूहिक भोज जिसे बड़ा खाना कहते हैं पुलिस की भाषा में, ऐसा भी एक कार्यक्रम होगा। और उसमें जिन्होंने अब तक मुरादाबाद शैली में किसी भी प्रकार का सहयोग दिया है उन सबका सम्मान। ऐसे 5 बड़े लोग जिनकी वजह से मुरादाबाद शैली बनी और प्रसिद्ध हुई, ऐसे व्यक्तियों का जो आज किन्हीं कारणों से हमारे बीच नहीं है, उनका मरणोपरांत सम्मान, उनके परिवार परिजनों को बुला करके उनका सम्मान। ऐसे लोग जिन्होंने 40 वर्ष इससे ज़्यादा का समय रामलीला मंचन के लिए दिया है किसी भी रूप में, उनका सम्मान। जितने लोग टीम के व्यवस्थापक बन के, मैनेजर बन के, प्रोड्यूसर बन के, निर्देशक बन के जाते हैं, उन सब का सम्मान और एक एक कलाकार का मंच पर बुला करके सम्मान। इस भावना के साथ हम ये लेकर के चले हैं क्योंकि मुरादाबाद शैली की रामलीला इतने वर्षों के बावजूद भी कागजों में कहीं हमें नहीं पूछा जाता। लखनऊ सरकार की, लखनऊ स्तर पर आप सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार में, या अखिल भारतीय स्तर पर केंद्र सरकार की बात करें, तो रामलीला महासंघ, रामलीला
मर्दबा शैली की रामलीला को कोई विशेष स्थान नहीं मिलता, वहां हमें अपनी पहचान खड़ी करनी है। विदेशों तक परचम लहराने के बावजूद हमारे कलाकार और हमारी रामलीला को समर्पित एक एक व्यक्ति के मान सम्मान का विषय है, उन्हें ऊपर तक इस बात को लेके जाना है, सबका मान सम्मान बढ़ाना। और रामलीला के मंचन में जो भी नई टेक्निक आ रही है वो कैसे बेहतर हो, कैसे हम नया करें और कितने नए ग्राउंड खुल सकते हैं, जिन ग्राउंडों पर रामलीला हो रही है वहाँ कलाकारों को पारितोषिक ठीक मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है तो उनसे निवेदन करेंगे भैया थोड़ा और बढ़ाओ। मतलब किसी भी प्रकार से कलाकार और हमारी संस्कृति को कैसे बढ़ाया जाए, उसका उन्नयन कैसे हो, उसका संरक्षण कैसे हो, संवर्धन कैसे हो, इस पर पूरे मन के साथ श्री रामलीला महासंगठन अपने मन से और पूरे 100% अपना दे करके काम कर रहा है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।